घंटे रह गए और कल टेस्ट है बहुत सारे स्टूडेंट का, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कल ही अपेयर हो रहे हैं, तो क्या करें भाई? अब तक जो पढ़ा था हमने उसका रिवीजन कैसे करें? मेरे एक बड़े लाडले स्टूडेंट हैं जो अभी वीडियो भी बना रहे हैं, बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, पर क्या हो रहा है, वो अभी मेरे पास रिवीजन के लिए आए थे। जो सवाल वो डेली सही कर लेते हैं ना, इस वक्त उनके वो अटक रहे थे, और ये तकरीबन सबके साथ होता है। पेपर जैसे जैसे करीब आता है पैनिक बढ़ती रहती है। पेपर जब बहुत दूर होता है तब तो इतना मसला नहीं होता, जैसे जैसे दिन कम आए और घंटे कम रहते हैं तो यार ये पैनिक बटन बड़ा खतरनाक होता है। इस पैनिक बटन में क्या होता है, आप परेशान हो गए यार मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे, मुझसे तो होंगे ही नहीं। ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताई है कि जब एग्जाम में बहुत कम टाइम रह जाता है, एक या दो दिन रह जाते हैं, तो जैसे कि अब संडे को पेपर है तो भाई आप फ्राइडे की नाइट को तो पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात ही पूरी रात जाते हैं। अब सैटरडे है, मैं तो 8 बजे से ज़्यादा पढ़ने का मशवरा नहीं देता, लेकिन चलें अगर आप रात 9 या 10 तक भी अब रिवीजन करना चाह रहे हैं आज, तो अब सिर्फ लाइट रिवीजन कीजिए। ऐसे सवाल मत करें भाई जो आपसे अटके। अब आप क्वेश्चन देखें और उसका जो सलूशन मैंने कराया हुआ है या जो आपको वीडियो बनाई हुई है या कहीं और किसी भी किसी में से आपने पढ़ा, उन सब सलूशन को देखते हैं। कोई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा इस वक्त सवाल, नहीं आपको पता चल रहा है सोल्यूशन कैसे हुआ है, इस वक्त उसको नेग्लेक्ट कर दो यार। अभी तो नेट 2 है ना, नेट 3 बाकी है, आराम से कोशिश करो आज जल्दी सोने की, क्योंकि ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है पेपर से एक दिन पहले किसी भी परेशानी में नींद नहीं आती, और अगर नींद नहीं आएगी तो ज़्यादा तो कल लाजमी पेपर ख़राब होगा। कोशिश करो आज जल्दी सो दो ताकि सुबह जल्दी जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठ करके फिर आपने एक पूरा रिवीजन अच्छा सा करना, बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। सुबह एक बस रिव्यू कर लो, वो कैप का केमिस्ट्री फिजिक्स के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले हो गए, इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों का रिवीजन करो, सवालों का नहीं कर रहा, ठीक है प्लीज़ बस। और ये पैनिक बटन आए बगैर देखो पेपर होगा, अब एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं पेंसिल कौन सी ले जानी है, वो यार अब लेके चले जाओ, हर बार ये सिचुएशन आगे पीछे हो जाती है, बस इतनी इन चीज़ों की टेंशन है। आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स ले जाओ, जो वो चीज़ कहेंगे आपकी अपनी यूज़ करने की, जो प्रोवाइड करेंगे वो चाहिए, इसकी टेंशन है। पेपर अटैम्प कैसे करना है, अब वो बच्चे जो मैथ्स में चीते हैं, टाइगर टाइगर ये तो बता कैसे बनो मैं तेरी तरह, तो जो टाइगर्स हैं उनको तो मैं कहता हूँ मैथ्स पहले करो, फिर आई क्यू, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश। लेकिन जो मैथ्स में टाइगर नहीं है या जिनमें कन्फ्यूजन बहुत होती है, पैनिक बटन बहुत ज़्यादा है, उनको मैं कह रहा हूँ पहले वो केमिस्ट्री फिजिक्स करें, उसके बाद फिर वो मैथ्स करें। तो ज़्यादा बेहतर ये कि आप अपना इस तरह से स्केड्यूल रखें, और आज ज़्यादा मत पढ़ें भाई, काइंडली जाएं और सो जाइए, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह।